उधर हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसे रोकने के लिए अमेरिका ने तैनात किए अपने महाविनाशक हथियार। समंदर में किसे चुनौती दे रही है रूस और चीन की सेनाएं, और क्यों उठी उत्तर कोरिया पर सख्त बैन की मांग। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन विशेष। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच जंग का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका ने अब चीन से निपटने के लिए अपने B-1B बम वर्षक विमान लॉन्चर को डियागो गार्सिया नेवल बेस पर तैनात किया है। US के इस महाविनाशक ने चीन के खेमे में खलबली पैदा कर दी है। जापान पर दबाव बनाने के लिए चीन और रूस की नौसेनाएं समुद्र में युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये वॉर ड्रिल जापान सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ के पास जारी है। इसमें रूस के एंटी सबमरीन जहाजों के साथ PLA के बड़े डिस्ट्रॉयर नानचांग और कुनमिंग शामिल हैं। अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 1 चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर से टेंशन में है। चीन के एक के बाद एक हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग से अमेरिका ने विध्वंसक वेपन्स की होड़ बढ़ने की आशंका जताई है। चीन ने जुलाई और अगस्त महीने में इन वेपन्स का परीक्षण किया है। चीन में अमेरिकी राजदूत के लिए नामित निकोलस बर्न्स ने भारत के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक LAC पर चीन का बर्ताव भारत के खिलाफ और आक्रामक रहा है। बर्न्स ने कहा कि चीन की अंतर्राष्ट्रीय हिमाकतों का अमेरिका जवाब देता रहेगा। उत्तर कोरिया के सिलसिलेवार मिसाइल टेस्ट और हथियारों को लेकर उसकी बढ़ती भूख से पूरी दुनिया सकते में है। अब अमेरिका और यूरोपीय संघ ने UN से मांग की है कि वो उत्तर कोरिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। तालिबान के गढ़ रहे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान आर्मी को बड़ा झटका लगा है। आतंकियों के 2 हमलों में 5 पाक सैनिक मारे गए हैं। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शक की सुई तहरीके तालिबान की ओर उठ रही है। इसराइल में जारी ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के मिराज 2021 विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 8 देशों के इस वॉर ड्रिल में भारतीय मिराज और फ्रांसीसी राफेल की जुगलबंदी देखने लायक थी। ये युद्धाभ्यास 28 अक्टूबर तक चलेगा। सीरिया के मासरन शहर में सरकारी बलों के खिलाफ आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम के हमले बढ़ गए हैं। STS ने सीरियाई सरकारी बलों की चौकियों पर कई रॉकेट दागे। STS ने इन हमलों को अरिहा शहर में अंजाम दी गई सैन्य कार्रवाई का बदला बताया है। दक्षिण सीरिया के एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले के बाद गोलीबारी भी की गई। स्थानीय बलों को ट्रेनिंग दे रहे अमेरिकी सैनिक भी इस बेस पर मौजूद थे। हालांकि किसी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।